हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 वेयर n1 इज लेस देन n2। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस? होने का मतलब है कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कर्व सरफेस के इक्वल होंगे। मतलब R1 = R2 = R होगा यहाँ पर हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास मटेरियल का है लेंस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो हमको n2 गिवन है, और जिस लिक्विड में उस लेंस को रखा है वो हमको n1 गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज n1। क्वेश्चन में बोला है n2 इज ग्रेटर देन n1, तो हमको पावर निकालनी है। हमको पता है अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हम बोल सकते हैं 1/f = n2 - n1 / n1 × 1/r1 + 1/r2। अब क्योंकि यहाँ r1 और r2 इक्वल है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 1/f = n2 - n1 / n1 × 1/r + 1/r। सो 1/f will be equals to n2 - n1 / n1 × 2/r। सो ये हो गया हमारे पास 1/f का फॉर्मूला। हमको पता है पावर जो होती है किसी भी लेंस की वो होती है 1/f। सो पावर सिंपली क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी n2 - n1 / n1 × 2/r। अब क्योंकि यहाँ पर n2 हमारे पास n1 से बड़ा है, सो n2 - n1 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो पावर क्या होगी, पावर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। सो इस सिस्टम के लिए जो पावर होगी, पावर फॉर दिस लेंस विल बी पॉजिटिव, फॉर दिस लेंस विल बी, फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला आया है n2 - n1 / n1 × 2/r। और ये जो आई है वैल्यू, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कि ये हमारे पास एक अच्छा खासा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।